पटेल चौक मेट्रो स्टेशन से उन लोगों ने शुरुआत करने की बात कही है, क्या अरेंजमेंट है, क्या कोई परमिशन है या नहीं है? इस चीज की कोई परमिशन नहीं है किसी तरीके की भी, और जो आपने बताया उस चीज की सूचना हमें भी है कि पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे इकट्ठा होकर इन्होंने मार्च करने के लिए बोला है, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पे भी हमने सफिशियंट अरेंजमेंट लगा रखा है और पीएम आवास पे भी सफिशियंट अरेंजमेंट लगाता है कि कोई भी आदमी अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वहां पे ही पहुंचता है पीएम आवास के नजदीक, तो उसको भी वहीं पे बिना प्रोटेस्ट के तुरंत डिटेन कर लिया जाएगा। और मैं सभी को यह बताना चाहता हूं कि किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं है और हमने अपना लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी अरेंजमेंट उसी हिसाब से लगाया हुआ है, किसी तरीके की कोई प्रोटेस्ट, स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन या कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। कुछ उम्मीद है सर कि कितनी संख्या में लोग यहां पर आ सकते हैं, और अगर मेट्रो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं उसके बाद फर्दर क्या आप लोगों का एक्शन होगा, क्या सड़क पर आ पाएंगे, लोग मार्च कर पाएंगे या फिर वापस भेजा जाएगा? नहीं, किसी तरीके का मार्च या रोड पे आना वो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। अगर मेट्रो से मेट्रो स्टेशन के अंदर भी आ पाते हैं या गाड़ी से आम आदमी अपनी गाड़ी से यहाँ पे भी आ पाते हैं तो यहीं पे ही डिटेन किया जाएगा और किसी का भी प्रोटेस्ट या मार्च अलाउ नहीं किया जाएगा। सर, आम लोग भी जो है सफर करते हैं मेट्रो से, वो भी निकलेंगे तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस तरीके से, क्योंकि आम आदमी तो आ ही रहे हैं। आम आदमी को कोई प्रॉब्लम ना आए, जो वर्किंग के लिए आते हैं उनको कोई समस्या ना आए, इसलिए किसी भी मेट्रो स्टेशन पे हमने बोर्डिंग डीबोर्डिंग को बंद नहीं किया है, सब मेट्रो स्टेशन उसमें चल रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने अपने बंदे उसमें लगाए हुए हैं कुछ मेट्रो स्टेशन पे, स्पेशली जैसे पटेल चौक पे या लोकल लैंडमार्क पे, वहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे और जो कॉमन है उनको सबको जाने देंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी क्या है, क्या ये जो मेन सड़कें हैं अशोक रोड से लेकर पीएम आवास तक, ये इस 10 से 12 बजे के बीच में ये लोग नॉर्मल आम ट्रैफिक में चलती रहेंगी या फिर इन्हें आम ट्रैफिक चलता रहेगा सब जगह पे, किसी को कोई समस्या ना आए इसको मद्देनजर रखते हुए किसी रोड को डाइवर्ट या ट्रैफिक से हम अलग से बात कर लेंगे उस विषय में, बट अभी जो रोड सड़कें चल रही हैं वो सड़कें चलती रहेंगी।